हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास Redmi 12 एक 5G हैंडसेट है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ और चार्जर लगा के आपको बताता हूँ। यहाँ पर अच्छे से देखिए, MI का लोगो यहाँ पर आएगा। ये देख सकते हैं MI लोगो आपको दिख रहा होगा, MI लोगो तो आता है बट लाइट नहीं आ रही, मतलब पूरा मोबाइल ऑन हो रहा है ये MI के बाद में भी। तो चलिए इसे कैसे रिपेयर करना है। तो ये 5G हैंडसेट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताता हूँ। देखिए ऑलरेडी काफ़ी सारा काम किया हुआ अभी है। प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको कूल टेस्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पे कनेक्टर देख लेते हैं, जो हमारा इसमें कनेक्टर दिया है मेन कनेक्टर एक ही कनेक्टर है और ये इसका बैटरी कनेक्टर, ये फिंगरप्रिंट कनेक्टर। पानी गया हुआ वाटर डैमेज सेट है जैसे कि आपको दिख रहा होगा और पूरा काम किया हुआ है, पतरे वगैरह शील्ड निकली हुई है। पावर ऐसी MT6358VW इसमें पावर लगा है और 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल होता है मीडियाटेक में जैसे कि आप जानते हैं। ये सारे इसके बकॉयल्स हैं और ये इसका रिंगर ऐसी और यहाँ पे इसका नेटवर्क सेक्शन। तो लाइट ऐसी जो होगी उसकी, ये इसकी जो UFS EMMC होती है यहाँ पे है EMMC। चलिए पीछे आते हैं और ये इसका CPU है, मीडियाटेक चिपसेट इसमें लगा है। ये इसका चार्जिंग AC है, ये इसका सेंस रजिस्टर और ये इसका सेपरेट RAM है। यहाँ पे इसकी लाइट AC लगी है, सॉरी ग्राफिक AC है, ये 15 वोल्ट की LUB और जो लाइट AC होती है यहाँ पे होती है 12 वोल्ट की D8। तो ये इसका कॉयल डायोड लोड कैप और ये इसी मेन IC। तो चलिए डायग्राम में आते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करा है Redmi 12। तो क्या क्या चीज़ें चेक करना है आपको यहाँ पर, सबसे पहले कनेक्टर पे आएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक नंबर पिन से। एक नंबर इसकी एनोड पिन है जहाँ 250 से 500 के आसपास GR आना चाहिए। दो नंबर NC है, 3 और 4 में आपको 600 के आसपास वैल्यू आएगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये CABC लाइन है, कंटेंट अडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल। यहाँ पे 11 में भी 600 के आसपास GR आना चाहिए। चलिए कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो कूल टेस्टिंग के लिए डिस्प्ले पे आते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और कनेक्टर जो है हमारा कनेक्टर के हिसाब से हम PCB सेट कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे चेक कर लेते हैं, रेड प्रोब ग्राउंड कर देते हैं कहीं पे और ब्लैक से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले पिन पे अगर देखेंगे तो 512 के आसपास वैल्यू आ रही है, मतलब ये लाइन हमारी ओके है। इसके बाद थर्ड पिन में देखेंगे 630 यानी सिंक 1 कैथोड 1, उसके बाद कैथोड 2 पे 630 ये भी सही है। उसके बबाद 7 पिन छोड़ने हैं, 3, 3, 6, 7 नंबर, ये हमारी CABC यहाँ पे भी 540 के आसपास GR आ रहा है, मतलब ये ट्रैक भी हमारी सही है और कनेक्टर भी अच्छा सोल्ड हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ तो हमारी लाइनें सही हैं, जब इस साइड में सारी ट्रैकें सही होती हैं जी, तो यहाँ पे चेक करेंगे IC के पास AC के लिए। तो बैक साइड आते हैं और ये हमारी तो यहाँ पे लाइट IC है, इसका कॉइल, इसका लोड कैप, यहाँ पे डायोड। तो थोड़ा सा साफ कर लेंगे, क्लीन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पानी जाने से डायोड जो है जला हुआ है और बस क्लीनिंग प्रोसेस में ही यहाँ पर डायोड जो है जलकर निकल चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर डायोड आपका नहीं भी रहेगा तो GR वैल्यू आने वाली है। अगर आप एनोड पिन पे देखेंगे तो एक और बार बता दूँ मैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पर डायोड जो है यहाँ पर इस तरह से, ये ग्लास का होता है
देख सकते हैं ये ग्लास डायोड होता है जो कि निकल के नीचे गिर चुका है, फिर भी हमारी एनोड सप्लाई जो है इस रजिस्टर इस कॉइल के थ्रू बाहर जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अगर आप पीछे एक नंबर पिन पे भी अगर चेक करोगे तो अभी भी यहाँ पर आपको वही वैल्यू मिलने वाली है। ये देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू मिल रही है सेम। तो यहाँ पे सबसे पहला एक प्रॉब्लम मिल गया हमको कि डायोड यहाँ पे ऐसे बस हवा में रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो पिने हैं यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। अब नीचे एक बार चेक कर लेंगे तो हमारा यहाँ से ट्रैक यहाँ पे कॉइल को जाती है, जैसे आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे एक डायोड हम लगाएंगे अभी दूसरा, और उसके बाद चेक करेंगे ये हमारी आउटपुट का लोड कैप होता है। इसको ऐसे रख लेता हूँ। तो यहाँ से लोड कैप और ये डायोड कनेक्ट होता है, और ये नीचे का पिन जो है हमारा डायोड के साथ कनेक्ट होता है। तो ये हमारी आईसी यहाँ पर है। तो सबसे पहले एक डायोड यहाँ पे दूसरा लगाते हैं, और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे इसकी जो ये ट्रैके हैं इसको साफ करके थोड़ा सा नीचे के प्रिंट बना लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे यहाँ पर और आयरन से यहाँ पर एक दूसरा भी डायोड हम अभी लगाएंगे, और उससे पहले एक डायोड हम यहाँ पर एक दूसरा पीसीबी है हमारे पास रेडमी 9A का नीचे। इसमें से निकालेंगे रेडमी 9A में से। चलिए ये हमने निकाल लिया है, और अब यहाँ पे अब साइज़ अगर देखें तो साइज़ इसका बहुत बड़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको ये वाले पॉइंट से यहाँ पे एक और डॉट दिया है यहाँ तक इसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि डायोड का जो कैथोड सिरा होता है वो हमारे आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है। तो आप यहाँ तक भी डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर बीच में नहीं करें तो भी चलेगा। दोनों टच पॉइंट सेम ही है, तो हमारा डायोड थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको आउटपुट वाले सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे, इनपुट वाला ऐसे ही छोड़ देंगे।
डायोड आप जब भी लगाएं तो एनोड कैथोड का सिरा चेक करके लगाएं, क्योंकि जो कैथोड का सिरा होता है वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हम इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा देंगे। डायोड हमारा लग चुका है, ये सिरा हमारा डायोड के साथ कनेक्ट होता है। ये सिरा हमारा कॉइल के साथ कनेक्ट होता है, जो कि यहाँ पर भी कनेक्ट होता है। ये हमारी VPS लाइन यहाँ से इन होती है। तो एक बार देखते हैं, लोड कैप तो हमारा सही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है इसमें, 400 के आसपास वैल्यू आ रहा है। और पलटा के चेक कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। एक बार डिस्प्ले में लगा के चेक करेंगे, और भी चीज़ें हो सकता है चेक करनी पड़े हैं, कॉइल की स्विचिंग लाइन हो। तो अभी भी देख सकते हैं आप, लाइट इसमें नहीं आई है, मतलब कॉइल और लोड कैप भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार इसको हम कॉइल और लोड कैप भी चेंज कर लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं साथ ही साथ। चलिए, यहाँ पे हमारा बूस्ट कॉइल तो यहाँ पे ठीक लग रहा है, और कैपेसिटर देख लेते हैं। कैपेसिटर में भी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ये ओके ही है। अब कॉइल और कैप तो ओके हैं, तो हो सकता है हमारे IC में जो सप्लाई हैं उसको चेक करनी पड़े। तो एक बार यहाँ पर ये देख लेते हैं, 4 वोल्ट VPH का, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू सही है। जब कॉइल लगेगा तो यहाँ पे भी GR आएगा, लेकिन IC लगी हुई है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। एक साइड तो वैल्यू आ रहा है VPH का। तो यहाँ पे हम डायग्राम में आएंगे तो देख सकते हैं, ये IC का ये सिरा इसके साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे तो हमको वैल्यू मिल रही है, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब IC से यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है। एक साइड वैल्यू है और एक साइड वैल्यू नहीं है। तो इसको निकालेंगे एक बार, और IC का नस्कट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये हिस्सा इसका नीचे जो कलर गया हुआ है उसको हम याद रख लेंगे, और IC निकाल के रिवॉल्व करेंगे या रिप्लेस करेंगे।
एक बार ऐसी हिला के चेक किया हूँ मैं, एक बार फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी ये कोई वैल्यू नहीं आ रही है इसकी। आईसी निकालेंगे अभी। देख सकते हैं पानी जा करके पूरा आईसी डैमेज है, तो इसको अपने को क्लीन करके अच्छे से रिवॉल्व करके लगाना होगा, तभी ये आईसी काम करेगी। सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद आईसी को भी क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका पिन नीचे से ये डैमेज हो चुका है, तो इसीलिए ये स्विचिंग लाइन के साथ काम नहीं कर रहा है, तो हमको आईसी यहाँ पे बदलना होगा। थोड़ा मैं साफ करके आपको बता देता हूँ। एक नंबर पिन यहाँ पे आपको दिख सकती है, ये जो पिन है यहाँ पे ये डैमेज हो चुकी है। ये ट्रैक यहाँ से एक नंबर के साथ कनेक्ट होती है, तो ये पिन डैमेज हो गई है, तो इसको हमको आईसी को बदलना होगा। तो हम एक दूसरा आईसी डालेंगे। अभी ट्रैक चेक कर लेते हैं SW पिन जो कि हमारी कनेक्ट है कि नहीं है। ये देख सकते हैं पिन तो कनेक्ट है, बट यहाँ पे आपको कॉइल निकालने पर अगर आईसी लगी होगी तो GR आनी चाहिए। ये वाला तो हमारा VPH का GR है, यहाँ पर VPH का तो GR ओके है, देख सकते हैं VPH लाइन तो हमारी सही है, बट ये जो स्विचिंग लाइन है ये वाली लाइन हमारी सही है, बट आईसी से यहाँ पे GR नहीं आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, दूसरा आईसी डालेंगे, कॉइल और कैप डालेंगे और चेक करेंगे। तो दूसरा आईसी के लिए यहाँ पे रेडमी 7 MS है, मैं इसे निकाल लूँगा। अभी वर्किंग है कि नहीं है ये, एक कॉइल और एक कैप, एक आईसी और एक कैप, आईसी का भी रिवॉल्व कर रहे हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर आईसी को फिक्स कर लेंगे। आईसी का नोज कट पॉइंट जो होगा वो नीचे साइड में होगा, यहाँ पर इसको चेक करके डालेंगे ऐसे। अभी हम एक बार SW पिन पे चेक कर लेंगे GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि VPH में तो GR आ रहा था। तो ये हमारा VPH है, GR आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले वैल्यू नहीं आ रही थी हमको। देखिए कॉइल जब लगेगा तो ये 4 वोल्ट यहाँ पे आएगा। बढ़िया स्विचिंग पिन इसके साथ IC के ये कोने की पिन के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जो कि जुड़ी ही नहीं थी। अब देखिए कॉइल के इस साइड वैल्यू आ रहा है, दूसरे साइड भी वैल्यू आ रहा है। पहले यहाँ पर OL आ रहा था, अब हम एक लोड कैप डालेंगे और हम यहाँ पे कॉइल डालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो कॉइल जो था हमारे पास पहले से कॉइल था, तो वही वाला कॉइल डाल देते हैं। और एक हम कैपेसिटर, जो कि हमारा लोड कैप है, ये भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसका लोड कैप थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ वापस से फिट कर देंगे। चलिए कॉइल बैठ चुका है, कैप भी बैठ चुका है, आईसी और डायोड सारा कुछ अभी हमने लगा लिया है। और कॉइल तो ऑलरेडी ओके है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे 450 हमारे एनोड लाइन में वैल्यू आ रही है, रिवर्स में कुछ नहीं। तो अभी एक बार PCB जैसे ही कूल हो जाता है तो चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लाइट का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है और प्रॉपर लाइट अभी आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हैंडसेट हमारा ऑन हो रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें बताने की कोशिश की है। और इसमें जो फॉल्ट था वो VSW जो हमारी लाइन होती है, स्विचिंग लाइन होती है, आईसी के साथ स्विचिंग होती है। अगर ये स्विचिंग नहीं होगी तो लाइट का बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा आपका, सिर्फ 4 वोल्ट ही वहाँ पर आता रहेगा। हमेशा आप क्या करते हैं, ट्रैकर चेक करते हैं। तो कुल टेस्टिंग में तो कोई ट्रैक ब्रेक था नहीं और कुल टेस्टिंग में कोई लाइन हमको शॉर्ट मिली नहीं, बट जब हमने आईसी के पास चेकिंग की तो SWN मिसिंग था, पानी जा करके लाइन जल चुकी थी, जिसमें हमने आईसी को रिप्लेस किया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। कंपोनेंट आपको ओके लगेंगे बट इंटरनली फॉल्ट हो जाते हैं ना, तो मल्टीमीटर से हम कैपेसिटर का लीकेज पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू तो दे नहीं रहा था। कुछ वैल्यू आती तो हम समझते हैं कि कैप हमारा खराब हो चुका है। और कॉइल तो ऑलरेडी बीप दे रहा है, क्योंकि इस मल्टीमीटर से हम कॉइल को सिर्फ बीप मोड पे या फिर रजिस्टर मोड पे 2.5 ओम 3 ओम चेक कर सकते हैं, उसके हेनरी हम चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको अंदाजे से काम करना है, डायग्राम को फॉलो करके काम करना है, ट्रैकों को देख करके काम करना है, अपने एक्सपीरियंस से काम करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। 15 अक्टूबर से हमारा ऑनलाइन क्लास है, अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।